हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू निटिंग चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज आपके लिए कितना सुंदर कितना प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाना इसे उतना ही आसान है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। लेडीज स्वेटर, जैकेट, बच्चों का स्वेटर, स्टॉल, मफलर, फ्रॉक, कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। किसी भी प्रोजेक्ट पे इसे डाल सकते हैं। हर प्रोजेक्ट पे ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगने वाला है। ये फ्रंट साइड से हमें ऐसे नज़र आ रहा है और बैक साइड से, ये देखिए बैक साइड से ये ऐसे नज़र आएगा। इस डिज़ाइन को आप किसी भी कलर में बना लें, लाइट कलर में बना लें, डार्क कलर में बना लें, किसी भी कलर में बना लें, हर कलर में ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे लेने हैं, आपने 20 के मल्टीपल से फंदे डालते जाना है। 20 20 20 ऐसे करके फंदे डालते जाना है। लास्ट में आपने 8 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं और 2 फंदे आपने एस्टिच के लिए डालने हैं। तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा। हर कलर पे ये डिज़ाइन सुंदर लगने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे साथ साथ बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। मैं इसे पूरा बोल बोल के रिपीट करती जाऊंगी, आप मेरे साथ साथ बनाते जाना तो बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जब भी कोई डिज़ाइन बताती हूँ पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस डिज़ाइन को पूरा बोल बोल के रिपीट करूँ, तब ताकि आप भी अगर मेरे साथ साथ बना रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से बनता जाए आपका डिज़ाइन, आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन फ्रेंड्स ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे डालने के बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए मैंने एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, ऐसा वाला बॉर्डर बनाया है। अगर आपने बॉर्डर के ऊपर फंदे बढ़ाने हैं तो क्या करेंगे, जब आपका बॉर्डर पूरा बन जाएगा इतना बॉर्डर बना लें, जितना भी आपने बनाना है उतना बॉर्डर बना लें। और अगर आपने फंदे बढ़ाने हैं तो जो उल्टी रो से सीधी तरफ जाएंगे लास्ट वाली, उस रो में आपने जितने फंदे बढ़ाने हैं बढ़ा लेना, क्योंकि फिर सीधी साइड से इस डिज़ाइन को हमने शुरू करना है। तो उल्टी रो में ही जितने फंदे बीच बीच में बढ़ाते हुए आना, जितने फंदे आपने बढ़ाने हैं, तो सीधी साइड से फिर इस डिज़ाइन को हम शुरू करेंगे। तो चलो इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। आप भी 20 के मल्टीपल से फंदे डाल लें। ये देखिए मैंने 20 फंदे डाल लिए हैं, 8 फंदे एक्स्ट्रा, 2 फंदे एस्टिच के लिए, कुल 30 फंदे डाल लिए, 30 फंदे डाल लिए हैं डिज़ाइन की। फर्स्ट रो से हम इसे बनाना शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट रो से जब हम फर्स्ट रो शुरू करेंगे तो एस्टिच पहला फंदा ये देखिए बुन के निकालेंगे, सीधा बुन के फर्स्ट रो। फिर क्या करेंगे, यहाँ से डिज़ाइन को शुरू कर रहे हैं, जाली बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर आगे की तरफ से ये देखिए आगे की तरफ से हम 2 का 1 कर लेंगे। फिर अभी हमने आगे की तरफ से किया, अभी इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए पहले आगे की तरफ से किया, फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लिया, फिर 2 फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर से जाली बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से वैसा ही करेंगे, आगे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर यहाँ तक हमारा 20 फंदों का एक डिज़ाइन बन चुका है। आगे आप जब कंटिन्यू करेंगे इस डिज़ाइन को, तो फ्रेंड्स आपने फिर फर्स्ट फंदे से शुरू करना है, फर्स्ट फंदे से शुरू करना है। जैसे जैसे आपने आगे आगे रिपीट करते जाना है, 20 फंदे बना के फिर से आप फर्स्ट फंदे से शुरू करेंगे, फिर 20 फंदे बना लेंगे इसी डिज़ाइन में, फिर फर्स्ट फंदे से शुरू करेंगे, जब लास्ट वाले 8 फंदे रह जाएंगे तब
कब आपने एक्स्ट्रा फंदे बुनने हैं। आपने जब शुरू करना है तो 20-20 करके डिज़ाइन कंटिन्यू करते जाना, लास्ट में आपने 8 फंदे फिर बुनने हैं। यहाँ पे हमने ये देखिए 2 का 1 आगे की तरफ से किया, फिर पीछे की तरफ से किया, फिर यहाँ पे हमने 3 फंदे सीधे, फिर से जाली बनाएंगे, 1 फंदा सीधा जाली, फिर 2 फंदे सीधे पहले आगे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर इन फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे जाली बनाएंगे, एस स्टिच सीधी रो बना रहे हैं तो हम सीधा बनाएंगे। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। सेकंड रो में पूरे फंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। एक रो आपको बना के बता दूंगी, बाकी आपने खुद बनाते जाना है। कुछ रो ऐसी आएंगी यहाँ पे हमें उल्टी रो में भी डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, वहाँ पे मैं आपको बोल दूंगी कि उल्टी रो में डिज़ाइन चलेगा। जब उल्टी रो पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाने होंगे मैं तब बोलूँगी कि आप उल्टे फंदे उल्टे उल्टे बना लो, तो आपने उल्टी रो पूरी बना के कंप्लीट कर लेनी है। कुछ रो में ही चलेगा उल्टी रो में डिज़ाइन, बाकी उल्टे फंदे उल्टे ही बुनेंगे उल्टी रो में। ये सेकंड रो चल रही है फ्रेंड्स, फर्स्ट रो मैंने आपको डिज़ाइन वाली बना के बता दी, सेकंड रो पूरे फंदे हम उल्टा बना रहे हैं। मैं एक एक फंदे को फ्रेंड्स बोल के बताती हूँ कि कैसे बनाना है, ताकि फिर आप बनाने लगो डिज़ाइन को आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, आप बिल्कुल आसानी से उस डिज़ाइन को बना लें। ये देखिए जाली वाला फंदा भी उल्टा, एस स्टिच उल्टी रो बना रहे हैं तो उल्टा आएगा। सेकंड रो हमारी कंप्लीट हुई डिज़ाइन की, थर्ड रो पे आ गए। पहला फंदा स्किप कर लेंगे, अब पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर आगे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे 1 2 3, फिर जाली बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर आगे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से, एक बार आगे की तरफ से 2 का 1 करना है, एक बार पीछे की तरफ से 2 का 1 करना है, फिर 2 फंदे सीधे जाली बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे 2 3 जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर आगे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा, एस स्टिच सीधी रो में हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमारी थर्ड रो कंप्लीट हुई। फोर्थ रो पूरे फंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। डिज़ाइन की फिफ्थ रो, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे जाली बनाएंगे, फिर आगे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे, फिर जाली बनाएंगे, फिर 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे बना लिए, ये देखिए 5 फंदे सीधे बना लिए, फिर जाली बनाएंगे, फिर आगे की तरफ से फिर एक फंदा सीधा, 5 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पे एक जाली बना ली, फिर एक फंदा सीधा, फिर आगे की तरफ से 2 का 1, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर 5 फंदे सीधे 1 2 3 4
पांच जाली बनाएंगे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे। ये देखिए, पहले आगे की तरफ से किया, फिर पीछे की तरफ से किया, फिर जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे एस स्टिच सीधी रो में सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हुई। सिक्स्थ रो पूरे फंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। डिज़ाइन की सेवन्थ रो पे आगे फ्रेंड्स, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब नौ फंदे, धागा पीछे ही रखें, नौ फंदे हमने सीधे बनाने हैं, तो सीधे बनाने हैं तो उधर ही रखेंगे। नौ फंदे, नाइन फंदे गिन के हमने सीधे बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ये देखिए, नाइन फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और दस फंदे उल्टे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। दस फंदे उल्टे, फिर से नाइन फंदे सीधे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। एस स्टिच सीधी रो बना रहे हैं तो सीधा आएगा। सेवन्थ रो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। एट्थ रो जो हमने हमें जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें हम सीधा बना लेंगे, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें हम उल्टा बना लेंगे। तो ये नौ फंदे हमें उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बना लेते हैं। ये दस फंदे हमें सीधे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम सीधा बना लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ रो हमारी पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं, उल्टी रो में कुछ ऐसी आएंगी, यहाँ पे सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, ऐसे भी चलेगा। मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी, आप वैसे वैसे बनाते जाना। यहाँ पे अब एट्थ रो में सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बना रहे हैं। अब फिर से नाइन फंदे उल्टे। डिज़ाइन की नाइन्थ रो पे आगे, नाइन्थ रो में भी ऐसा ही करेंगे, जो सीधे हैं ये देखिए, नौ फंदे सीधे हैं, इसे हम सीधा बनाएंगे। नाइन फंदे सीधे, नाइन्थ ही रो चल रही है हमारी। ये देखिए, नाइन्थ रो में नौ फंदे हमने सीधे बना लिए, ये दस फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, दस फंदे हमने उल्टे बना लिए, फिर ये वाले नाइन फंदे सीधे। एस स्टिच सीधा बनाएंगे, सीधी रो बना रहे हैं तो सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हमारी नाइन्थ रो कंप्लीट हुई। टेंथ रो, टेंथ रो में दसवीं सिलाई पूरी हम उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे। फ्रेंड्स, टेंथ रो हमने पूरे फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। अब आते हैं इलेवंथ रो पे, तो पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे, फिर जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के
पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, एक बार आगे की तरफ से करेंगे दो का एक, एक बार पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा फिर से जाली बनाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा फिर से जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, एस स्टिच सीधी रो बना रहे हैं तो सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हमारी 11th रो कंप्लीट हुई। 12th रो, 12th रो में हम पूरे फंदे उल्टा उल्टा बनाएंगे। डिज़ाइन की 13th रो पे आ गए फ्रेंड्स। पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे, फिर दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा, एस स्टिच सीधी रो में सीधा बुना जाएगा। ये हमारी 13th रो कंप्लीट हुई। यहाँ पे 14th रो पूरे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब आते हैं डिज़ाइन की 15th रो पे। पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ 9 फंदे, 9 फंदे हमने उल्टा उल्टा बना लिए। धागा पीछे कर लेंगे, 2 फंदे सीधे जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर आगे की तरफ से दो का एक, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक, फिर एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर 9 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ 9। एस स्टिच सीधी रो बना रहे हैं तो हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमारी 15th रो कंप्लीट हुई। 16th रो, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, धागा आगे करके 9 फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ 9, 9 फंदे सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ करके 10 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार
छः, सात, आठ, नौ, 10। 10 फंदे उल्टे, फिर से 9 फंदे सीधे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। एस टीच उल्टी रो बना रहे हैं तो उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे हमारी 16 रो कंप्लीट हुई। अब आते हैं डिज़ाइन की 17 रो पर। पहला फंदा स्किप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे उल्टे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। धागा पीछे कर लेंगे, फिर 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन। 3 फंदे सीधे बना लिए, जाली बना लेंगे। फिर आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे। फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे। फिर जाली बनाएंगे, फिर ये 3 फंदे सीधे। एक, दो, तीन। फिर धागा अपनी तरफ करके फिर 9 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए 9 फंदे उल्टे, सीधी रो चल रही है तो एस स्टिच हमारा सीधा आएगा। यहाँ पे हमारी 17 रो कंप्लीट हुई। 18 रो पूरे फंदे हम उल्टा बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये 1 to 18 रो का डिज़ाइन है जो मैंने आपको अभी पूरा बोल बोल के बताया है। एक एक फंदे को फ्रेंड्स मैंने बोल के बताया है, कहाँ पे सीधा, कहाँ पे उल्टा, कौन सी रो पूरी उल्टी बनानी है, कौन सी रो बीच में उल्टे सीधे बनाने हैं, पूरा बोल के बताया है। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे साथ साथ बनाया होगा तो आपका भी अच्छी तरह से बन गया होगा। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा बोल बोल के बताऊँ ताकि आप भी बनाते समय परेशान ना हो, बिल्कुल आसानी से उस डिज़ाइन को बना लें। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। बेल आइकन फ्रेंड्स जरूर प्रेस किया करो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है, इसे बना के ज़रूर ट्राई करना और बहुत जल्दी तैयार होने वाला डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये डिज़ाइन। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है, ये देखिए 1 to 18 रो का डिज़ाइन है जो मैंने आपको बना के बता दिया है। जब इसे आप ज़्यादा फंदों पे डालोगे तो ये ऐसे बन के आएगा। इसे बना के ज़रूर ट्राई करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर टाइम। आगे मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ।